बता दूं कि इस वक्त मैं उस पॉइंट पे खड़ी हूँ जिस पॉइंट पर पंडो मंडी का जो रोड है वो बंद था करीब 6 दिनों से, और एक बार मैं आपको नजारा दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह का लैंडस्लाइड यहाँ पे होता। आप देखेंगे कि इस तरफ से 6 मील का ये एरिया है, और अनु आप दिखाइए कैमरे में, और ये आप देखिए पहाड़ जो है ऑलमोस्ट, मैं क्योंकि जहां तक मेरी नजर जा रही है मेरे हिसाब से तो आधा ही पहाड़ उतर के नीचे आ गया है, और जहां तक मैं नजर घुमा पा रही हूँ यहाँ पर वहां तक लैंडस्लाइड बहुत भयंकर हुआ था। बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो नीचे आ गए हैं, और अभी के लिए अच्छी बात ये है कि जो ये रोड है मंडी पंडोर रोड, ये आज बहाल हो चुका है। लेकिन हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कौन कौन सी गाड़ियों के लिए जो रोड है ये बहाल हुआ है। ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सदर थाना के SHO सिकिनी सर, इनसे हम जानेंगे कि रोड की क्या जो प्लान है अभी ओपन का जो हुआ है वो कैसे रहेगा आप लोगों के लिए। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और ये बताइए कि अभी जो सर ये रोड बहाल हुआ है मंडी पंडोर का, तो क्या प्लान है, रोड प्लान किस हिसाब से गाड़ियाँ जो है भेजी जा रही है, क्योंकि गाड़ियाँ तो काफ़ी समय से यहाँ पर फंसी हुई हैं। धन्यवाद। हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज 6 दिन के बाद हम KMC कंपनी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से इस रोड को बहाल कर पाए हैं। अभी जो है वो ये रोड ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स के लिए सिंगल लेन के लिए खुला है, और हम दोनों तरफ से बारी बारी से गाड़ियां छोड़ रहे हैं। अभी जो आपके सामने ये गाड़ियां जा रही हैं सारी आर्मी की सप्लाई की गाड़ियां हैं। एक बार ये गाड़ियां ख़त्म हो जाएंगी फिर एक सिस्टम बना के कि 20-50 गाड़ी एक बार मंडी से पंडो की ओर और उसी तरह से पंडो से मंडी की ओर छोड़ें। मतलब सारी बड़ी छोटी गाड़ियां? हाँ, सारी बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ियों के लिए रोड इस वक्त हमने थ्रू कर दिया है। अच्छा, मतलब यानी कि अभी फिलहाल के लिए ये जो रोड है ये आर्मी सप्लाई वाली जो बड़े टैंक है ये ट्रक से इन्हीं को भेजा जा रहा है फिलहाल, और उसके बाद बड़ी छोटी गाड़ियों के लिए रोड आप बहाल कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सभी गाड़ियों को भेजा जा रहा है, क्योंकि ये गाड़ियाँ 6 दिन से स्ट्रक हो गई थी और ये हैवी व्हीकल्स से, तो ये जो हमारे अल्टरनेट रूट चले थे उसमें जा नहीं सकती थी, तो इसीलिए ये लोग 6 दिन से हमारा इस रोड का वेट कर रहे थे। आज फाइनली ये रोड अभी 1 घंटा पहले खुल गया है, तो अब सारी ट्रैफिक हम स्मूथ करवा रहे हैं। और दर्शकों साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर बात की जाए मंडी पुलिस की और साथ साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस की, तो जो अभी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी इसमें खासा रोल जो है निभाया है। जैसे अभी इन्होंने बताया KMC कंपनी, बताई सर आपने KMC कंपनी के जो इम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पे दिन रात 6 दिनों से डटे हुए थे काम के लिए, और साथ ही जो पुलिस है हमारी मंडी पुलिस है और प्रशासन है वो भी दिन रात यहाँ पर आप लोगों के लिए खड़ा था। तो सर मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी अभी ये सब अगर मैं रोड की बात करूँ बहाल करने के लिए? सबसे बड़ी चैलेंज तो मौसम की थी। मौसम ख़राब है, आप काम भी करना चाह रहे हैं, इक्विपमेंट भी है, लेकिन वेदर सपोर्टिव नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे मौसम ने टाइम दिया वैसे वैसे काम जो है वो युद्ध स्तर पे चला, और फाइनली 6 दिन के बाद हमें ये कामयाबी मिल गई। और सबसे बड़ा सुकून तो उन लोगों के लिए है बेचारों के लिए जो 6 दिन से फंसे थे। हमें भी अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन है कि जो 5-6 दिन हमने मेहनत की उसका फाइनली हमें ये रिजल्ट मिला कि जो लोग 6 दिनों से फंसे हुए थे आज फाइनली उनको हम निकाल पाए। बिल्कुल, और साथ ही सर हमने देखा है आप और आपकी जो टीम है SP मैम है, हमने देखा कि आप जो दर्शकों बताऊं आपने वीडियोस देखी होगी फेसबुक के माध्यम से, जो मंडी पुलिस की जो टीम थी वो जितने भी टूरिस्ट थे उनको पानी खाना तक आप लोगों ने मुहैया करवाया हुआ है। तो सर मैं ऐसे जनरली मतलब नॉर्मल आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपका तरफ से मैसेज जो है टूरिस्ट या जो आम जनता हिमाचल की उनको आप देना चाहेंगे? सब टूरिस्टों ने हमारा बहुत सहयोग किया, सब लोगों ने पेशेंसली हमारी डायरेक्शन को फॉलो किया, तभी हम ये काम थोड़ा जल्दी कर पाए। अगर लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, बारी बारी से गाड़ियाँ आना जाना बंद नहीं करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो और टाइम लगता है। लोगों के सहयोग से, टूरिस्टों के सहयोग से ही हम सब लोग मिलकर ये इस काम को कर पाए हैं। और सर साथ ही मैं एक बार पंडोर से आगे जो रोड है उसकी भी स्टेटमेंट आपसे जानना चाहूंगी कि पंडोर से आगे की तरफ रोड की क्या हालत है? पंडोर से लेकर कुल्लू तक भी वन वे इसी तरह का रोड ऑलमोस्ट थ्रू है। ओके, मतलब अभी मतलब यानी कि कुल मिला के जो लोग हैं वो वन वे के हिसाब से मंडी से लेकर कुल्लू तक जा सकते हैं। तो दर्शकों ये आपके लिए बिल्कुल लाइव अपडेट है, और अभी 6 मील के पास हमारी टीम है। सर थैंक यू सो मच बात करने के लिए, और मैं आपको बताऊं कि जैसे सर ने बताया KMC कंपनी के जो इम्प्लॉयज़ हैं जो टीम जो यहाँ पे थी उन्होंने यहाँ पर दिन रात काम करके मंडी प्रशासन मंडी पुलिस ने यहाँ पे बेजोड़ मेहनत करके इस रोड को बहाल किया है। और एक बार फिर आपको जानकारी देना चाहूंगी कि मंडी से लेकर कुल्लू तक लेकिन वन वे जो रोड है वो ओपन हो चुका है। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लीजिए आप जो पहाड़े 6 मील के आप नज़ारे देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त, और 6 मील का ये नजारा है जहां पर 6 दिनों तक जो रोड है वो बंद रहा। बड़ी बड़ी चट्टाने जो हैं वो नीचे मैं कहूँ आपको बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, और ये पूरा जिस हिसाब से रोड बंद हुआ था मुझे तो ये लगता है कि 6 दिन में ये बहाल होना नामुमकिन सा काम था, जो कि सभी लोगों ने मिलकर इस कार्य को सफल किया है। ये लाइव तस्वीरें 6 मील से आप सभी के लिए, और
साथ ही दर्शकों इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल मैं यही बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा जरूरी अगर आपको काम है तभी आप लोग घर से निकले, क्योंकि हिमाचल जो है अभी भी येलो अलर्ट पे है। तो आप लोग सुरक्षित रहिए जहां पर भी हैं, और जरूरी कुछ काम हो तभी आप घर से बाहर निकलिए। देखिए अभी जो रोड खुला है पंडुओं के लिए, कुल्लू के लिए, तो एकदम से अगर आप निकलेंगे तो ट्रैफिक की जो समस्या है वो मेरे हिसाब से आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच चुके कि रोड जो है बहाल हो चुका है लेकिन अभी तक वन वे। तो टाइम के हिसाब से सारी चीजें जो है मैनेज करके एक प्लान बनाया हुआ है पुलिस के द्वारा, तो वो उस हिसाब से गाड़ियां छोड़ेंगे और आप लोगों को आपके डेस्टिनेशन तक भेजेंगे। इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।